अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं राबिया। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी यूट्यूब अर्निंग के बारे में, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछते रहते कि आपका चैनल मोनेटाइज है, आपको अर्निंग वगैरह होती है। तो जनाब, यूट्यूब से मेरी फर्स्ट पेमेंट आ चुकी है, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से डिटेल से शेयर करूंगी कि मैंने कब यूट्यूब का चैनल बनाया, मेरा चैनल कब मोनेटाइज हुआ, और फिर मोनेटाइज होने के बाद डीमोनेटाइज हो गया, क्यों डीमोनेटाइज हुआ, ये भी आप लोगों से शेयर करूंगी। मेरी कितनी पेमेंट आई है और कितनी ज्यादा डिडक्शन हुई है, ये सबका सब आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। लेकिन इससे पहले, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। YouTube पे मेरे दो चैनल हैं, जो मेरा पहला चैनल है जो कि मेरा मेन चैनल है, वहां पे मैं प्रोडक्ट्स के रिव्यूज करती हूँ, रेमेडीज वगैरह शेयर करती थी, फेशियल मसाज वगैरह की वीडियोस उस चैनल पे मैं डाला करती थी। तो वो जो मेरा चैनल है वो है राबिया शहीनाज के नाम से। अगर आप लोग उस चैनल को विजिट करना चाहेंगे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। उसके बाद जो मेरा दूसरा चैनल है जिसपे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, बिया व्लॉग्स हब के नाम से, इस पे मैं व्लॉगिंग करती हूँ। तो जनाब, जो मेरी पेमेंट आई है वो मेरे मेन चैनल के, यानी कि राबिया शहीनाज के पेमेंट जो है वो मुझे रिसीव हुई है। तो मैं उसी के बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने 2019 में अपना चैनल जो है वो स्टार्ट किया था, 2019 के अक्टूबर में, और मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था 2020 के अगस्त में। ठीक है, अगस्त में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पूरा एक क्राइटेरिया होता है, मतलब आपने 1000 सब्सक्राइबर्स आपके होने चाहिए और 4000 घंटे का वॉच टाइम होता है जो आपने पूरा करना होता है, और ये बहुत एक बड़ा टास्क होता है जिसे आपने फुलफिल करना होता है। तो जनाब, ये मेरा एक साल के अंदर अंदर आपने करना होता है, तो ये मेरा हो गया था पूरा। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि यार देखो, मैंने जब अपना YouTube का चैनल बनाया था ना, मुझे YouTube के चैनल की अलिफ बे भी नहीं आती थी। मैंने दो चार यूट्यूबर्स को देखा, उन्हें देख के मैंने जनाब अपना एक चैनल बना लिया। मुझे बिल्कुल भी किसी चीज के बारे में नहीं पता था। वीडियोस बनाना मैंने सीख ली, मैंने एडिटिंग सीखी, चैनल कैसे बनाते हैं ये सब कुछ मैंने सीख के वीडियोस डालना शुरू कर दी। मुझे नहीं पता था कि कुछ हैशटैग्स वगैरह भी लगाते हैं, कुछ टैग्स वगैरह होते हैं, इस किस्म की चीजें होती हैं, ये सब चीजें मुझे नहीं पता था। ये मुझे कुछ जाके कोई 6-7-8 माह के बाद पता चला कि इस तरीके से प्रॉपर वीडियोस डालते हैं। तो यार, आप लोगों को मैं, जो लोग न्यू हैं, जो लोग अपना चैनल बनाना चाहते हैं, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उन लोगों को मेरा यही मशवरा है कि सबसे पहले सीखो। हर काम का तरीका यही होता है कि जब तक आपको वो काम आता नहीं है ना, आप बिल्कुल आपकी ग्रिप नहीं होती ना, तब तक आप उस काम में कभी भी आगे नहीं निकलते। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगी कि आप लोग पहले सीखें, मुकम्मल सीखें कि आपने चैनल किस तरह से बनाना है, उसकी सेटिंग किस तरह से करनी है। फिर आपने बहुत सारे टेक्निकल चैनल्स आपको सिखाते हैं ये सारा कुछ, तो आपने इसकी सेटिंग से लेके वीडियो को अपलोड करना, प्रॉपर अपलोड तो मैं भी करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि टैग्स वगैरह लगाते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें जब आप सीखते हो तभी आपकी वीडियोस जो होती हैं वो वायरल होने के चांसेस होते हैं। तो प्रॉपर तरीके से आपने वीडियोस को अपलोड करना सबसे पहले आपने सीखना है। शायद इस वजह से भी मेरी चैनल जो है वो इतना ग्रो नहीं किया और उसके ऊपर जो था वो इतने व्यूज वगैरह नहीं आते थे। खैर, 2020 के अगस्त में मेरा चैनल जो था वो मोनेटाइज हो गया, क्योंकि मेरा जो भी वो टास्क होता है, 4000 घंटों का वॉच टाइम होता है और 1000 सब्सक्राइबर्स होते हैं, वो मेरे पूरे हो चुके थे। तो जनाब, उसके बाद मुझे एक मेल आया कि आप अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए अप्लाई करें। तो मैंने एक कर दिया, चैनल मेरा मोनेटाइज हो गया, मैंने उसके ऊपर एड्स वगैरह लगा लिए। उसके बाद मेरा चैनल क्यों डीमोनेटाइज हुआ ये मैं भी आपको बताने वाली हूँ। होता ये है कि हमारा जो गूगल एडसेंस होता है उसको वेरीफाई करना पड़ता है, और वेरीफाई करने के लिए हम अपना एक एड्रेस भेजते हैं उन्हें, और वो क्या करते हैं कि उस एड्रेस के ऊपर हमें यूट्यूब की टीम जो है एक पिन भेजती है। ठीक है, और वो पिन जो है वो हमने लगाना होता है, तो हमारा गूगल एडसेंस जो है वो वेरीफाई होता है, तो हमें पेमेंट रिसीव होती है, जो कि आपको एक महीने के अंदर अंदर मिल जाता है वो पिन। तो मुझे नहीं रिसीव हुआ, एक माह में वो रिसीव नहीं हुआ। तो उसके लिए ये होता है कि आपके पास ऑप्शन होते हैं, आपके पास
चार ऑप्शन होते हैं, आप चार दफा अप्लाई करते हैं पिन के लिए। मुझे इस बात का नहीं पता था कि अप्लाई करते हैं, मैंने कोई अप्लाई नहीं किया। मैंने कहा आ जाएगा, नहीं आया कोई मसला नहीं, कौन सा मेरे कोई बड़े डॉलर्स बन रहे हैं जो कि मुझे उसकी कोई टेंशन हो, तो मैंने इस चीज के ऊपर जो है ना वो ध्यान ही नहीं दिया। तो खैर वो जब टाइम गुजर गया, चार पांच महीने गुजर गए, तो उसके बाद ना मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया, क्योंकि यूट्यूब की टीम कंसिडर करती है कि ये बंदा तो सीरियस ही नहीं है, ये मतलब इस चीज को लेके सीरियस ही नहीं है। तो क्या हुआ कि मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया, क्योंकि मैंने री अप्लाई किया ही नहीं था पिन के लिए। पिन के लिए आपने चार दफा अप्लाई करना होता, उसके बाद फिर अगर आपको तब भी पिन रिसीव नहीं होती, फिर आप मैनुअल तरीके से करते हो। तो मुझे इस सारी बात का पता ही नहीं था, मैंने खैर जनाब उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो मैंने चार दफा अप्लाई ही नहीं किया तो मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया। जब चैनल डिमोनेटाइज हुआ तो चैनल की ग्रोथ जो है ना वो बिल्कुल रुक गई, बिल्कुल चैनल ग्रो करना बिल्कुल ही बंद हो गया। ठीक है, तो मैं भी बहुत ज्यादा डिसहार्ट हुई कि यार मैंने इतनी मेहनत की है, इतना सब कुछ किया, उसके बाद चैनल डिमोनेटाइज हो गया, तो क्या फायदा हुआ इस चीज का। तो जनाब खैर फिर उसके बाद मैंने 2020 के दिसंबर में मैंने ये वाला चैनल जो मेरा व्लॉग का चैनल है बिया व्लॉग्स, आप जिसके ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं, फिर मैंने ये चैनल बनाया था। ठीक है, तो है लेकिन उस चैनल के लिए फिर मैंने क्या किया, मैंने चार दफा फिर यानी कि पूरे चार महीने, आप हर एक माह के बाद अप्लाई कर सकते हैं, फिर मैंने चार दफा वो अप्लाई किया, जब वो टाइम मुकम्मल हुआ और उसके बाद फिर मैंने मैन्युअली अप्लाई किया, तो फिर मेरा जो गूगल एडसेंस था वो वेरीफाइड हो गया। और जनाब फिर उसके बाद एक इंतजार शुरू हो गया कि कब मेरे चैनल के ऊपर जो है वो $100 जो है वो कंप्लीट होंगे, और उसके बाद फिर आप अपनी पेमेंट जो है वो निकलवा सकते, क्योंकि ये यूट्यूब का की कंडीशन है कि जब तक आपके $100 नहीं होते तब तक आपकी पेमेंट नहीं आती, आप अपने पैसे नहीं निकलवा सकते। तो मेरा मोनेटाइज हो गया था यार, लेकिन अब जो मुश्किल बात थी ना वो ये थी कि अब जनाब डॉलर कैसे बनेंगे, किस तरह से बनेंगे, मतलब जब आपकी वीडियोज के ऊपर व्यूज नहीं आ रहे तो आपके डॉलर भी नहीं बनते। और ये भी यार इतना कोई टफ क्राइटेरिया रखा हुआ है कि 1000 व्यूज के ऊपर भी आपका $1 नहीं बनता यार, पता नहीं किन लोगों के बनते होंगे, वो भी ये डिपेंड करता है कि आपकी वीडियोस की ऑडियो ऑडियंस रिटेंशन जो है वो कितनी, यानी कि लोगों ने कितनी देर तक आपकी वीडियो को देखा हुआ है, और उसके अलावा आपकी ऑडियंस जो है वो कहाँ की ऑडियंस है। ठीक है, ये भी बड़ा मैटर करता है। तो यानी कि आपके 1000 व्यूज के ऊपर भी आपको $1 जो है ना वो आपका नहीं बनता, यानी कि चार दिन के बाद जाके आपका कहीं $1 बनता है, चार पांच दिन के बाद आपका $1 जो है वो बनता है। और मेरा 2020 के अगस्त में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, और 2021 के अगस्त में ही मुझे फर्स्ट पेमेंट जो है वो मिली। इस दौरान में मतलब कुछ 6-7 महीने तो मेरा चैनल जो था वो डीमोनेटाइज ही रहा। तो 21 अगस्त को मेरी जो फर्स्ट पेमेंट है वो ट्रांसफर कर दी गई थी मेरे अकाउंट में जनाब, और खुशी की बात भी लग रही थी उस टाइम पे, अच्छा लग रहा था कि हाँ ठीक है यार फर्स्ट पेमेंट जो है वो आ गई यूट्यूब से। तो लेकिन मेरी मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि $100 जब हो जाते हैं तो उसके बाद आप अपनी पेमेंट निकलवा सकते हैं, फिर $100 से ऊपर जितने भी बने हुए हों, तो मेरे $100 से अबव थे। ठीक है, लेकिन यार जो मेरी पेमेंट आई है ना उसमें पूरा 5000, पहले ही माशाल्लाह से पेमेंट कोई बड़ी कोई है नहीं, बस जैसे मैंने अभी आपको बता दिया है कि भाई इतने ये डॉलर्स होते हैं, $100 होते हैं, उससे कुछ ही ज्यादा थे, तो जनाब वो पेमेंट बनी और पूरे 5000 रुपए कम आए हैं। ठीक है, पूरे 5000 जो कि बहुत बड़ी ज्यादती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों हुआ है ऐसा। तो बहुत ज्यादा पेमेंट तो बनी नहीं, जिसके अंदर से 5000 काट लिया गया है, बैंक ने काटा है या पीछे से इतने आए हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों हुआ है। मैं बैंक जाऊंगी तो वहां से पता चलेगा कि जनाब ये 5000 क्यों कटा है, किस सिलसिले में ये 5000 जो है वो कम भेजा गया है। इसके लिए मेरा खुद जाना जरूरी था लेकिन मैं बीमार रही हूँ बहुत ज्यादा, मैं खुद जा नहीं सकी। यार ये मेरी फर्स्ट पेमेंट थी जिसके लिए मैं शुरू में खुश भी थी, एक्साइटेड भी थी, अगर मुझे पूरी पेमेंट रिसीव हो जाती 5000 रुपीज ना कटते तो शायद मैं इसके लिए खुश भी होती। लेकिन पहले इतने पैसे नहीं थे उसमें से 5000 रुपये और काट लिया गया, तो बस फिर अब क्या खुशी बाकी बचनी थी।
तो जहां तक बात है सेकंड पेमेंट की, तो यार मोनेटाइज होने के पूरे एक साल के बाद जाके फर्स्ट पेमेंट मुझे रिसीव हुई है। मुझे नहीं पता कि आगे कितने महीनों के बाद जाके मुझे जो है वो सेकंड पेमेंट इसकी मिलेगी। तो इस चीज से इंसान जो है ना वो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता है। तो चाहे इतनी ही सही यार, लेकिन अर्निंग आपको हर महीने अगर आए तो वो ज्यादा अच्छी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 4 या 5 दिन के बाद जाके आपका $1 बनता है, आपके 1000 व्यूज के ऊपर भी आपको $1 नहीं मिल रहा होता, तो ये बड़ी एक मतलब डिसअपॉइंटेड वाली बात है कि इंसान इस चीज को लेकर थोड़ा सा परेशान। थोड़ा सा क्या मतलब, जब आप इतनी सब मेहनत कर रहे होते हैं आपके वीडियोस के ऊपर व्यूज नहीं आ रहे, तो चलो किसी के ऊपर आ भी जाते हैं व्यूज, तब भी इतने आपके डॉलर्स नहीं बन रहे, इतनी इनकम नहीं बन रही होती। अब मेरी ये वीडियो देख के काफी सारे लोग कहेंगे कि जी आप जो है ना वो न्यू आने वालों को डीमोटिवेट कर रही है, आपकी वजह से हम डीमोटिवेट हो रहे हैं। तो भाई अगर डीमोटिवेट हो रहे हैं तो हो, यही हकीकत है। मुझे 2019 में मैंने चैनल बनाया था, 2021 है अब ये चल रहा है, और मैंने सिर्फ पहली एक ही जो है यहाँ से मैंने मुझे पेमेंट रिसीव हुई है, और उसके अंदर भी काफी सारी डिडक्शन हुई है, और उसके बाद नेक्स्ट पता नहीं है। अगर आपको हर मंथ भी, चलो हर मंथ ही सही, आपको इतनी पेमेंट ही आती रहे ना, तो इंसान मोटिवेट होता रहता है, उसके अंदर काम करने का जज्बा जो है वो होता है। क्योंकि हर बंदा यूट्यूब के ऊपर, जो भी चाहे बड़े यूट्यूबर्स हैं सॉरी चाहे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं चाहे छोटे यूट्यूबर्स हैं, वो यहाँ पर फॉर द सेक ऑफ मनी, फॉर द सेक ऑफ इनकम, पेमेंट इसीलिए है यहाँ पर, ठीक है ना। वो कोई भी इतना बेवकूफ नहीं, कोई इतना पागल नहीं कि अपना इतना ज्यादा टाइम जो है वो निकाले, अपने पैसे खर्च करे, अपना दिमाग, अपनी एनर्जी, अपनी अपनी हेल्थ, सब कुछ जो है ना वो यूट्यूब चैनल के नजर कर दे और फिर आपको वहां से कुछ भी अर्न ना हो। तो जनाब ये मेरी फर्स्ट पेमेंट थी, और इसको लेके मुझे बड़ा खुश होना चाहिए था, एक्साइटेड होना चाहिए था, बट लेकिन चलो बस सही है, मुझे कुछ खास एक्साइटमेंट जो है वो नहीं हुई इस चीज की। ओवरऑल इसमें डीमोटिवेट होने की कोई बात नहीं है, ये काम है, लोग इसे बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं, अपना पूरा पूरा घर चला रहे हैं यूट्यूब चैनल से। तो ये है कि यूट्यूब चैनल अगर आप लोग बनाना चाहते हैं उसकी प्रॉपर सेटिंग सीखें और प्रॉपर वीडियोस को अपलोड करना सीखें, अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आए, जितना जल्दी आपका चैनल ग्रो करेगा, चैनल के ऊपर व्यूज आएंगे, तो आपकी अर्निंग भी अच्छी होगी इंशाल्लाह। तो जनाब आप लोग पूछ रहे थे यूट्यूब पे मेरी अर्निंग के बारे में, तो मैंने सोचा कि चले मुझे पेमेंट रिसीव हुई है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यूट्यूब का जो पूरा जर्नी था मेरा, वो मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर नहीं किया कि यार एक तो मेरी तबीयत कुछ ज्यादा खास अच्छी नहीं है, दूसरा वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या बात कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। मुझे वायरल फीवर हुआ हुआ है और मैं काफी दिनों से इसी की लपेट में हूँ, और अभी भी मैं मतलब अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या बातें कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, लेकिन चले बहरहाल मैंने वीडियो बना दी, खाना पूरी करनी थी वो मैंने कर दी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो उसको जरूर लाइक शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।